हेलो एवरीवन, पारी शिक्षा विद अखिल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने स्कोप ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात की थी और आज हम 11th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और 11th क्लास के सिलेबस के बारे में भी हमने बात की है और 5 यूनिट हैं, आपको प्रीवियस वीडियो में बात बता रखी है। तो आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी की 3rd यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 3rd। कौन सी है? वो है साइटोलॉजी, मींस कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान। हम इस यूनिट के बारे में आज चर्चा करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। हम साइटोलॉजी में चलें, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। साइंस एक लैटिन वर्ड से, एक लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जो शायर है। कुछ जगह आपको साइंशिया भी लिखा हुआ मिल सकता है। शायर का मतलब होता है टू नो, यानी कि किसी को जानना, और साइंस का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि किसी के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो हम ये कह सकते हैं साइंस का मतलब है किसी के बारे में जानना या पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। अब हम हमारे ब्रांच में आते हैं, हमारी ब्रांच है बायोलॉजी। बायोलॉजी जिसे हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, या बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मींस जीव, और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, मींस का अध्ययन। इन शॉर्ट मैं क्या कह सकता हूं, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी का मतलब होता है सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन। मीन्स विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी कहलाती है। 11th के लेवल पे अगर हम बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में बात करें तो मेनली दो ब्रांचेस हैं। कौन सी है देखते हैं। अगर आपको एक कॉपी करना हो तो आप वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे आराम से बाद में कॉपी कर सकते हैं। फिलहाल हम बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं कि बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। देखिए कौन कौन सी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी अगर वर्ड की बात करें, बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो बायोलॉजी शब्द लेमार्क ने, लेमार्क एवं टेवेरेनस ने सन 1802 में बायोलॉजी वर्ड दिया था। इस चीज को आप याद रखें, ये कई एग्जाम में पूछा जाता है जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो जीव विज्ञान शब्द लेमार्क ने और ट्रेवेरेनस ने 1802 में दिया। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ बायोलॉजी, मींस जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का पिता एरिस्टोटल को कहा जाता है, एरिस्टोटल, जिसे आप अरस्तु कहते हैं या अरस्तु के नाम से जानते हैं। इंग्लिश मीडियम में ये नाम आता है और हिंदी मीडियम के बुक्स में अरस्तु आता है, ये एक ही है, इस चीज को आप याद रखें। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु को कहा जाता है। हम यहां पर बात कर रहे थे कि बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस कौन कौन सी है।
बायोलॉजी की मुख्यतः दो ब्रांचेस हैं, एक जिसे हम बोटनी कहते हैं, बोटनी को हिंदी में क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान जिसे हम कहते हैं, और दूसरी जो ब्रांच है उसे हम जूलॉजी कहते हैं, जिसे हिंदी में प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान भी इसी को कहते हैं, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान कहते हैं। तो ये बायोलॉजी की मेन दो ब्रांचेस हो गई। अब इन दोनों ब्रांचेस के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि बोटनी क्या है और जूलॉजी क्या है। तो सबसे पहले बोटनी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बोटनी वनस्पति विज्ञान, तो नाम से पता चल रहा है कि इसमें वनस्पति का अध्ययन किया जाता होगा, और जूलॉजी से पता चल रहा है प्राणी विज्ञान, यानी कि इसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता होगा। दोनों को देख लेते हैं। फर्स्ट देखते हैं बॉटनी, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम वनस्पति विज्ञान बोल रहे हैं हिंदी में। क्लियर। अगर बॉटनी की बात करें तो बॉटनी एक ग्रीक शब्द होता है। कौन सा होता है ग्रीक शब्द? बोटेन। कौन सा होता है? बोटेन। बोटनी इसी ग्रीक शब्द से निकल कर आई है। और बोटेन का मतलब क्या होता है? बोटेन का मीनिंग होता है चरागाह। चरागाह, कुछ जगह पौधे भी लिखा हुआ होता है, चरागाह या पौधे। बोटनी के लिए तकनीकी रूप से, टेक्निकली एक वर्ड काम में लिया जाता है, और वो वर्ड है फाइटोलॉजी। वो वर्ड कौन सा है? फाइटोलॉजी। ये वर्ड भी आप याद रखें, फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, फाइटोस। फाइटोस का मतलब क्या हो जाएगा? प्लांट या प्लांट्स। और दूसरा वर्ड है लोगोस, मींस टू स्टडी। मतलब आप समझ गए होंगे, प्लांट्स का मतलब पौधे और टू स्टडी का मतलब का अध्ययन। मींस बोटनी में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। सेकंड पॉइंट आता है इसी में कि फादर ऑफ बोटनी कौन है? फादर ऑफ बोटनी, फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ये बात किसके बारे में हो गई? बोटनी के बारे में हो गई, कि बोटनी ग्रीक शब्द बोटेन से बना है, जिसका मीनिंग चरागाह या पौधे होता है। बोटनी के लिए टेक्निकल वर्ड काम में लिया जाता है जो फाइटोलॉजी है। फाइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, फाइटोस जिसका मतलब प्लांट्स होता है, लोगोस जिसका मतलब टू स्टडी होता है। प्लांट्स का मतलब पौधे और टू स्टडी का मतलब का अध्ययन, इन शॉर्ट पौधों का अध्ययन, बोटनी का मतलब हो गया। ये फादर ऑफ बोटनी आप याद रखें, जितने भी हम जिसके बारे में बात करेंगे, इंडिविजुअली बोटनी है, जूलॉजी है, बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, तो उन सब के फाउंडर के बारे में आपको लिखवाऊंगा, तो इन सब का आप नाम याद रखें। ये कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं पहले भी, और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो ये बात हमने किसकी कर ली? बोटनी की कर ली। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट हम बात करेंगे जूलॉजी की। जूलॉजी, जूलॉजी मीन्स प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। जूलॉजी भी दो वर्ड से मिलकर बना है, जून प्लस लोगोस। जून का मतलब क्या हो जाएगा? एनिमल्स, और लोगोस का मतलब टू स्टडी। एनिमल्स मीन्स प्राणी, और टू स्टडी का मतलब का अध्ययन। क्या मतलब हो गया इसका? विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों का अध्ययन किया जाता है या जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी या प्राणी विज्ञान कहलाती है। नेक्स्ट आपको पता है क्या पॉइंट आएगा? फादर ऑफ जूलॉजी, प्राणी विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? प्राणी विज्ञान का पिता कहा जाता है एरिस्टोटल को। किसे कहा जाता है? एरिस्टोटल को, मीन्स अरस्तु को। अभी अभी
इससे पहले भी ये नाम आपने देखा था, यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी एक ही व्यक्ति है, और वो कौन है? एरिस्टोटल। तो इस नाम को आप याद रखें, एरिस्टोटल दो ब्रांचेस के पिता कहे जाते हैं, जूलॉजी के कहे जा रहे हैं, बायोलॉजी के कहे जा रहे हैं, और बोटनी के थियोफ्रेस्टस हैं। तो ये तो बात हमने कर ली बायोलॉजी की दो मुख्य ब्रांचेस के बारे में। नेक्स्ट, और भी ब्रांचेस आएंगी, जैसे जैसे जो ब्रांच आएगी मैं आपको हैंड टू हैंड वहीं लिखवाता चला जाऊंगा कि किस ब्रांच में किसका अध्ययन किया जाता है। अभी फिलहाल अगर हम आगे चलें तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो क्या आता है कि आकारिकीय रूप से जीवों को तीन भागों में बांटा जा सकता है, और वो भाग कौन कौन से हैं? एक है प्लांट्स, किस रूप से? आकारिकीय रूप से। दूसरा कौन है? एनिमल्स, यानी कि प्राणी। और तीसरा कौन सा है? उसे हम कहेंगे माइक्रोब्स। आप इसका बेस आधार याद रखें, हम बोल रहे हैं आकारिकीय दृष्टि से सजीवों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स। इन दोनों के बारे में अभी हमने बात की है। माइक्रोब्स क्या है? माइक्रोब्स होते हैं सूक्ष्म जीव, तो हम क्या बोलेंगे? सूक्ष्म जीव विज्ञान। किसे बोलेंगे सूक्ष्म जीव विज्ञान? इंग्लिश में बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी में क्या किया जाता है? इसमें किया जाता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मीन्स सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। तो माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है फिर? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे कहा जाता है? एंटोनी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, एंटोनी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। आप इसे भी याद रखें कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? एंटोनी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। ये सूक्ष्म जीव कौन है? एग्जाम्पल में देख लें हम, वायरस, माइकोप्लाज्मा, फंजाई। फंजाई मीन्स कवक। ये कुछ इंग्लिश टर्म्स हैं, ये धीरे धीरे आप जानने लग जाएंगे। एल्गी मीन्स शैवाल। बीजी, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ये सूक्ष्म जीव हैं जिनका बायोलॉजी की एक अलग ब्रांच में अध्ययन किया जाता है या इनको पढ़ा जाता है, उस ब्रांच को माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। और इसके फादर कौन है? एंटोनी ल्यूवेनहॉक। तो ये चीज आप याद रखें। आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो हम सजीवों का संगठन देखना चाहते हैं कि सजीवों का शरीर किस तरह से बनता है, उनके शरीर के निर्माण का संगठनात्मक स्तर क्या होता है, उसको अगर हम देखें तो हमें पता है, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ रखा है। ये यूनिट साइटोलॉजी स्टार्ट करने का मोटो ये है कि आपने प्रीवियस क्लास में कोशिका विज्ञान पढ़ रखी है, कोशिका और कोशिकांगों के बारे में अध्ययन कर रखा है, इसलिए आपको काफी आसानी महसूस होगी, अच्छा लगेगा और पॉइंट भी समझ में आएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सेल की। सेल जिसे हम क्या बोल रहे हैं हिंदी में? कोशिका। क्या बोल रहे हैं? कोशिका। तो हम यही बात करें, सजीवों के शरीर का संगठनात्मक स्तर क्या होता है, तो सेल। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल होती है, बिल्कुल इसके बारे में बात हम करेंगे। सेल क्या बोलेंगे इसे? कोशिका। और बहुत सारी कोशिकाएं, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? कहलाता है टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊतक। इसी टाइप से ऊतक समूह क्या कहलाएगा? टिश्यू सिस्टम, जिसे हम क्या कहेंगे?
ऊतक तंत्र, और टिश्यू सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे, मीन्स अंग बनाएंगे। और बहुत सारे अंग या अंग मिलकर आपस में क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे बॉडी, यानी कि शरीर। एक सजीव बनाएंगे, एक जीव का निर्माण करेंगे। तो एक सजीव के शरीर का जो संगठन होता है, वो संगठन स्तर इस प्रकार का होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है, सबसे छोटी जो इकाई होती है, वो सेल होती है। सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। और टिश्यू सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिल ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं। लेकिन ये मिलता है किसमें? सभी सजीवों में मिलता है? नहीं, ये मेनली प्लांट्स में मिलता है, वो सॉरी एनिमल्स में मिलता है। किस में मिलता है? एनिमल्स में मिलता है। अगर प्राणियों में शरीर का संगठन स्तर देखें तो इसी प्रकार का मिलता है। तो क्या पौधों में डिफरेंट होता है? पौधों में ऑर्गन सिस्टम नहीं होते, ये लेवल नहीं होता। क्यों नहीं होता? एग्जाम्पल देखें, बिल्कुल आप देखें, क्या आपने कभी पढ़ा है पौधों में पाचन तंत्र, पौधों में श्वसन तंत्र? आपने पढ़ा होगा तो ये टॉपिक पढ़ा होगा, पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन तंत्र नहीं पढ़ा होगा, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, जनन पढ़ा होगा, तंत्र नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि जो शरीर का संगठन स्तर होता है वो किस प्रकार का होता है, वो इस प्रकार का होता है। एक चीज साथ में आपको मैं नोट करवा दूं, माइक्रोब्स के बारे में आपने सुन रखा है? बिल्कुल। तो अभी थोड़ी देर में मैं बात करूंगा इसके बारे में, आप चाहें तो यहां पर भी लिख सकते हैं कि आपने एक नाम सुना होगा, वायरस। सुना है ये नाम? मे बी शायद आपने ये नाम भी सुना होगा, माइकोप्लाज्मा। हिंदी में इसे विषाणु कहते हैं। ये माइकोप्लाज्मा है। और आपने एक नाम और सुना होगा, 101% सुना होगा ये तो, और वो नाम है बैक्टीरिया, यानी कि जिसे हम हिंदी में जीवाणु कहते हैं। ठीक है, दो नाम और बताता हूं मैं आपको, एक वीरियोन और एक प्रियोन। अगर हम प्रीवियस क्लासों की बात करें, ये प्रियोन है और ये वीरियोन है। प्रीवियस क्लासेस की बात अगर हम करें तो आपने बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, मे बी आपने वायरस का नाम भी सुना है, और हो सकता है आपने माइकोप्लाज्मा का भी नाम सुना हो। अगर आपको सूक्ष्म जीव के बारे में पूछा जाए तो पता नहीं आप किसे सूक्ष्म जीव बताएंगे, लेकिन अगर इस क्रम को अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनका स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट क्या क्रम होता है। सबसे छोटे होते हैं वीरियोन, वीरियोन से बड़े होते हैं प्रियोन, प्रियोन से बड़े होते हैं वायरस, वायरस से बड़ा होता है माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा से बड़ा होता है बैक्टीरिया। तो इस पॉइंट को आप स्टार लगा के नोट कर लें कि ये इनके बड़े होने का क्रम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, वो अलग से बात करेंगे, स्मॉलेस्ट सेल कौन है, लॉन्गेस्ट कौन है, बड़ी कौन है। लेकिन ये लेवल आप याद रखें कि इन माइक्रोब्स में जो क्रम होता है वो ये क्रम होता है, इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं मेन ब्रांच की, और वो मेन ब्रांच क्या है? साइटोलॉजी। ये जो अभी हमने बात की, ये एक बायोलॉजी का इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए था। अब मेन यूनिट या चैप्टर में आते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी अगर बुक के लेवल पे देखें तो मैं आपको बता दूं, ये आपकी यूनिट थर्ड है और चैप्टर कौन सा है? एट, आठवां चैप्टर है, तो आप नोट करके चले। अब बात आती है सेल क्या है।
आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, सेल का मतलब होता है शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। दूसरी परिभाषा अगर हम बात करें तो आप कहेंगे शरीर की सबसे छोटी सूक्ष्मतम और संरचनात्मक जो इकाई होती है वो कौन होती है? सेल। बिल्कुल सही है ये बात। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है कोशिका विज्ञान कहलाती है, यानी कि मैं कह सकता हूं स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी किसे कहेंगे हम? स्टडी ऑफ सेल। बिल्कुल स्टडी ऑफ सेल। लेकिन इस सेल की स्टडी में किन-किन बातों का अध्ययन किया जाता है ये बात अब हमें उच्च माध्यमिक स्तर पर पता होनी चाहिए। सेल या साइटोलॉजी में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है उनको देखते हैं। देखें आकार की अध्ययन किया जाता है, कार्य की अध्ययन किया जाता है, जैव रासायनिक अध्ययन किया जाता है, नेक्स्ट आनुवंशिक अध्ययन किया जाता है। ये सारे अध्ययन किसमें किए जाते हैं? साइटोलॉजी में। लेकिन किसके? सेल के। अभी प्रीवियस क्लास में या माध्यमिक स्तर तक हमने ये पढ़ा था कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान। लेकिन बात ऐसी नहीं है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका के आकार की है, कार्य की है, जैव रासायनिक की और अनुवंशिक की और परिवर्धन इनका अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहलाती है। यानी कि अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो क्या बना सकते हैं? अब हम ये भी कह सकते हैं कि कोशिका सजीव की जननशम, पॉइंट टू बी नोटेड हियर, जननशम जिसमें जनन की क्षमता है, कोशिका सजीव की जननशम कोमा चयनात्मक पारगम्य झिल्ली से परिबद्ध संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो दो वर्ड हमने ऐड किए यहां पर, जननशम और चयनात्मक पारगम्य। ये तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि संरचनात्मक और क्रियात्मक मींस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन होती है? सेल होती है। लेकिन आप ये भी याद रखें कि जननशम और चयनात्मक पारगम्य भी इसकी क्या होती है? क्वालिटी होती है। नेक्स्ट, अब बात आती है कि कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। आपको पता है ये चीज कब की थी? 1665 में की थी। उन्होंने क्या क्या बताया कोशिका के बारे में ये भी देखते हैं। देखिए कोशिका की खोज की अगर बात करें हम कि कोशिका की खोज, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। रॉबर्ट हुक ने एक बुक भी लिखी। रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखी, कौन सी? या इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। ये बुक आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या है? बुक। पुस्तक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया में इन्होंने सेल के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए। इन्होंने क्या देखा? सबसे पहले तो मैं बता दूं इस इन्होंने देखा क्या था। इन्होंने देखा था बार्क, बार्क मींस छाल, या मैं लिखूं कॉर्क कैम्बियम। इन्होंने ऐसे छोटे छोटे कोष्टक देखे।
ये थे क्या? ये थे खोखले कोष्ठक। जिन्हें इन्होंने नाम क्या दिया? इन्होंने नाम दिया सेलुला। क्या नाम दिया? सेलुला। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन्होंने देखा, ये जो देख रहे हैं ये लिविंग सेल नहीं है, तो सजीव कोशिका को किसने देखा? देखें, सजीव कोशिका। सबसे पहले सजीव और स्वतंत्र कोशिका को किसने देखा? एंटोनी ल्यूवेन हॉक ने देखा। बिल्कुल, ये कौन है? ये सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता जो हमने अभी अभी पढ़ा है, ये वही है। इन्होंने देखा एंटोनी ल्यूवेन हॉक, और इन्होंने सेल को नाम क्या दिया? इन्होंने दिया जंगली एनिमल कूल्स, यानी कि वाइल्ड एनिमल कूल्स नाम इन्होंने दिया। इन्होंने भी एक बुक लिखी, इनकी बुक का नाम क्या था? सीक्रेट ऑफ नेचर। क्या नाम था इनका बुक का नाम? सीक्रेट ऑफ नेचर, प्रकृति के रहस्य। ये बुक का नाम जरूर याद रखिए, आप जो जो भी बुक आपको लिखवाई जा रही है। तो ये साइटोलॉजी का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसको आप कॉपी करें, नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। एक लास्ट पॉइंट है जिसके बारे में मैंने अभी बोला था कि छोटी और बड़ी सेल्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको, तो वो एक पॉइंट भी नोट कर लें हाथों हाथ आप। देखें, अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को, माइकोप्लाज्मा। अभी अभी बताया भी था, इसीलिए आपको ये लेवल बताया था इनका क्रम। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने वहां पे तो वायरस, वीरियन और प्रियन भी बता रहे थे, तो आप यहां पर सबसे छोटी कोशिका क्यों लिख रहे हैं? ये सबसे छोटी सजीव कोशिका है, क्योंकि वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। अब कोशिका सिद्धांत क्या है? एक बार हम कोशिका के बारे में स्टार्टिंग पॉइंट्स को क्लियर कर लें, उसके बाद में हम सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे जो स्लीडेन और स्लाइडेन ने दी थी। देखें, माइकोप्लाज्मा है, कई बार कुछ एग्जाम्स में इसमें भी दो नाम आ जाते हैं, एक आता है माइकोप्लाज्मा लेडलेवी और एक आता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। पहली बात तो ये दोनों नाम कभी आएंगे नहीं, और अगर आ भी जाएं तो इस केस में माइकोप्लाज्मा लेडलेवी राइट आंसर माना जाएगा। वैसे तो माइकोप्लाज्मा है, लेकिन अगर दोनों आ जाएं तो माइकोप्लाज्मा लेडलेवी राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, सबसे लंबी पादप कोशिका, सबसे लंबी पादप कोशिका कौन होती है? रेमी फाइबर। सबसे बड़ी पादप कोशिका, अब ये बड़ी है, ये लॉन्गेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, पादप कोशिका। सबसे बड़ी पादप कोशिका जो होती है वो होती है एसिटा बुलेरिया। ये शैवाल है, ये चीज भी आप लिख लें, ये क्या है? एक शैवाल है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे बड़ी जंतु कोशिका। ऊपर हमने किसके बारे में बात की है? प्लांट के बारे में। अब किसके बात करें? सबसे बड़ी जंतु कोशिका। सबसे बड़ी जंतु कोशिका कौन है? ऑस्ट्रिच एग का मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी जंतु कोशिका है ये। और सबसे लंबी जंतु कोशिका,
सबसे लंबी जंतु कोशिका? इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, रिसेंटली आप पढ़ के आए हैं, इससे पहले पढ़ के आए हैं। सबसे लंबी जंतु कोशिका जो होती है वो होती है नर्व सेल। नर्व सेल मीन्स तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। तो ये हमने किसके बारे में बात की है? ये हमने साइटोलॉजी का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है। इसके बाद में जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डिफरेंस देखेंगे। वो किस आधार पर देखेंगे? वो उनके संगठन के आधार पर देखेंगे कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। आई होप आज आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, आई मीन उनमें डिफरेंस, आई मीन उनमें अंतर पढ़ेंगे। तो आप अगर आपके पास बुक हो तो एक बार पढ़ें, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।